चौपर स्टॉप ने कहा कि ई कॉमर्स के नए नियम लागू होने के बाद से उनसे अमेजॉन से अपने सभी प्रोडक्ट्स हटा लिए हैं। कंपनी ने एमडी एंड सीईओ राजीव सूरी ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अमेजॉन का उनकी कंपनी में सिर्फ 5% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नए नियमों का असर देखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जो न्यू पॉलिसी आई है विच इज इफेक्टिव February 1st, बेस्ड ऑन दैट वी आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट लॉ एंड वी हैव डीलिस्टेड ऑल आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजॉन। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस बिकॉज वी अमेजॉन ओन्स 5% ऑफ अ कंपनी, सो इट्स नॉट अ मेजॉरिटी स्टेक, दे डोंट हैव अ सीट ऑन द बोर्ड, सो वी आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन एंड अंटिल वी गेट द क्लैरिफिकेशन आवर प्रोडक्ट्स विल रिमेन अनलिस्टेड। बट सर, अदर वे अराउंड हम देखें कि इस पॉलिसी की वजह से जो ई कॉमर्स प्लेयर्स थे उनका दबा होता था, वो डिस्काउंटिंग करते थे और उससे ब्रिक एंड मोटर का कहीं ना कहीं कारोबार इम्पेक्टेड होता था, तो क्या इस पिछले 3-4 हफ्तों में आपने देखा है कि जो आपके लेवल के प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन नहीं लेकिन उनकी ओवरऑल डिमांड बढ़ी है और एक तरह से कहीं ना कहीं दूसरी तरह से आप जैसे ब्रिक एंड मोटर कंपनियाँ जो मांग कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो लेवल प्लेइंग फील्ड आ रही है? सो अभी जो है जो टाइमिंग इसका है, इट वॉज एट द एंड ऑफ सीजन सेल, सो इन एनी केस इवन द डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड मार्केट वॉज ऑल ऑन डिस्काउंट इन एनी केस, सो अभी तक तो इसका इम्पैक्ट पता नहीं लगा बिकॉज दे आर सो फार दे ऑनलाइन भी डिस्काउंट पे थे, हम भी डिस्काउंट पे थे, सो आई थिंक द फुल प्राइस सीजन आएगा विच स्टार्टेड फ्रॉम 15th of February ऑनवर्ड्स, तब हमको पता लगेगा क्या इम्पैक्ट है, अगर कोई इम्पैक्ट आएगा। इन माई व्यू आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा बिकॉज जो कस्टमर्स जो लेटेस्ट फैशन मांगते हैं और जो लेटेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं वो फिर भी शॉपिंग के लिए हमारे स्टोर्स में आएंगे। सर, अभी 2 दिन पहले सरकार की तरफ से ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी भी लाई गई, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, हर कंपनी को DIPP के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, MRP बतानी होगी, तो ये जो पॉलिसी है इसको आप किस तरह से देखते हैं और आप जैसी कंपनी के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी? सो अभी आई थिंक इट्स वेरी अर्ली फॉर अस टू कमेंट ऑन दिस। अभी द पॉलिसी, आई थिंक देयर इज अ मीटिंग ऑल्सो शेड्यूल्ड नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द पॉलिसी, सो वी हैव टू सी व्हाट इज द फुल आउटकम, जो फाइनल पॉलिसी होगी देन बेस्ड ऑन दैट हम रिएक्शन देंगे। फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि ई-कॉमर्स के नए नियम सभी के लिए फायदेमंद हैं। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में फ्यूचर रिटेल ज्वाइंट एमडी राकेश बियानी ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा डिस्काउंट की धारणा गलत है। राकेश बियानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने, आइए देखते हैं। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन का जो मार्केट है, जो डीप डिस्काउंटिंग था वो नहीं हो रहा है, तो उसके जो कस्टमर हैं वो आप जैसे स्टोर्स के पास आएंगे क्योंकि आपकी पैन इंडिया पे प्रेजेंस है, तो वो कहीं ना कहीं जो फुटफॉल है या फिर जो सेल्स है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखा है क्या? देखिए, बिजनेस मॉडल तो हमारा अभी काफ़ी स्ट्रांग है और हम बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमेशा कस्टमर को, और ये बात भी पक्की थी कि कुछ जो इनिशियली जो ज़्यादा डिस्काउंट हो रहे थे वो काफ़ी कुछ टेपर आउट तो होने ही पड़ेंगे बिकॉज़ अनलिमिटेड डिस्काउंट तो किसी के भी पास बस की बात नहीं है। और मैंने तो काफ़ी कुछ डेटा रिपोर्ट्स भी ये देखी है जिसके अंदर में दिख रहा है कि नॉट एवरीथिंग दैट यू बाय ऑनलाइन इज़ एक्चुअली वेरी चीप, एंड बहुत बार यू नो मिसलीडिंग भी रहा है, एंड जो भी डेटा दिख रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन शॉपिंग इज़ लॉट मोर कन्वीनियंट अगर एंड चीपर। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है, मैं काफ़ी बार ट्राई किया हूँ ऑनलाइन शॉप करने के लिए और बहुत बार ये देखा हूँ कि यू नो कभी कभी तो प्रोडक्ट के प्राइस पॉइंट्स ही गलत लिखे हुए रहते हैं और उसके ऊपर में डिस्काउंट दिखा दिए जाते हैं तो मिसलीडिंग रहती है, तो इसके ऊपर में भी ऑफकोर्स गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन दैट सच कंप्लायंस शुड बी देयर, यू नो वन शुड नॉट मिसलीड द कस्टमर, बट आई वुड थिंक, आई पर्सनली थिंक द फैक्ट दैट offline prices are as competitive and in many times and they are actually much cheaper for a customer.